सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज किस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है कैसे आप बीएन ऐप के अंदर फोटोशॉप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, या बोल सकते हो कैसे आप बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो म्यूजिक के साथ। तो पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप दिखाए है, वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और बढ़ते वीडियो की तरफ। ओके, एज यू कैन सी यार, मैं आ चुका हूँ बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। सबसे पहले बीएन ऐप ओपन करने के बाद नीचे जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से फोटो ऑप्शन चूज करेंगे। आप देख सकते हो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वीडियो एंड फोटो। तो यहाँ से हमें फोटो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से हमें अपना फोटो चूज कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना फोटो चूज कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चूज कर रहा हूँ इस तरीके से आप भी अपनी फोटो को चूज कर लीजिएगा, यानी कि सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अपना कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं और फोटो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो सिलेक्ट किया, नीचे आपको टाइमलाइन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, देन आपका सारा पिक्चर आ जाएगा बीएन ऐप के अंदर। सबसे पहले आपको जो ब्लैंक पार्ट दिखाई दे रहा है, जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्या करना है, डिलीट कर लेना है। डिलीट के ऊपर क्लिक करके एंड देन आपको ऊपर में ओरिजिनल का ऑप्शन मिलता है अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आप वीडियो क्रिएट करोगे बीएन ऐप के अंदर, अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए तो आप यहां से 9:16 को चूज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे नॉर्मली उससे कोई मतलब नहीं है कि फुल स्क्रीन हो या हाफ स्क्रीन हो, तो आप यहां से ओरिजिनल को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक किसी एस्पेक्ट रेशियो का चाहिए तो आप यहां से चूज़ कर लीजिएगा, लेकिन फुल स्क्रीन चाहिए तो 9:16 को मास्ट चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो मुझे इन सभी चीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो के बीच में जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो सभी फ़ोटो के बीच में आपको प्लस आइकन दिखाई दे रहा है। सो आपको सिंपली प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्टिंग में जो मिलता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई एक इफेक्ट ऐड कर लेंगे, जैसे कि ब्लैक या व्हाइट, इन दोनों में से कोई एक। तो यहाँ से मैं व्हाइट को चूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो प्लस आइकन मिलता है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जूम इन को अप्लाई करना है। ये आप देख सकते हो जूम इन अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जो अगला मिलता है उसमें आपको जूम आउट को अप्लाई करना है, सॉरी जूम इन को, तो ये अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है अपनी फ़ोटो की बीच में जो प्लस आइकन मिलता है उसमें इस तरीके का इफेक्ट, यानी कि आप इन्हें ट्रांजिशन कह सकते हो। सो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी अप्लाई कर लेंगे अपनी सभी पिक्चर पर, जूम को, जूम इन और रोटेट को। सो बिल्कुल एंड में आपको ब्लैक इफेक्ट ऐड कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो ब्लैक इफेक्ट मैंने ऐड किया। उसके बाद सिंपली आपको कर देना है डन, ठीक है। अभी हमारे सारे पिक्चर पर जो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, अभी आपको क्या करना है, जो टाइमलाइन उनको छूटा कर लेना है, 1.5 सेकंड कर लेना है, ठीक है। अराउंड आप देख सकते हो इसमें आपको दिखाई दे रहा है छूटा करके। सो जब आप बीएन ऐप के अंदर वीडियो क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पर छूटा करके दिखाई देगा, शायद अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है सेकंड, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से 1.5 सेकंड कर लेना है। ओके, तो सभी पिक्चर का जो टाइम ड्यूरेशन है अराउंड मैंने 1.5 सेकंड कर लिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसमें और इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो और इफेक्ट ऐड करने के लिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एफेक्ट्स, सिंपली आपको एफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर बिल्कुल एंड में आपको इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा जीटा डाउन। मैं ये यूज़ करके दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो कोई दूसरा इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा इफेक्ट है। सो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट मिलता है, इसको आपको एंड में लेके आ जाना है, ठीक है। और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। तो ये जीटा डाउन इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली इसको ना पे जो टिक मार्क का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट आपकी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा, ये आप देखना, ये आप देख सकते हो। सो इसी तरीके से आप इसमें जो है इस तरीके इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ये जीटा डाउन। सो सब में आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप इसे अप्लाई नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपका जो वीडियो वैसे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन थोड़ा और अगर आप बेहतरीन तरीके से अपने वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो तो
तो आप जो है जीटा डाउन इफेक्ट को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सिर्फ जीटा डाउन ही यहाँ पर आपको और भी इफेक्ट मिलता है, लेकिन मैं आपको जीटा डाउन में डाउन ही रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने अपने सारे पिक्चर पर जो इस इफेक्ट को अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, इसमें म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए सिंपली जो टैप टू ऐड म्यूजिक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके आपको अपना म्यूजिक ऐड करना है। तो यहाँ से मैं म्यूजिक ऐड करता हूँ। सो ये आप देख सकते हो, हमारा जो म्यूजिक वो आ चुका है, यहाँ पर आपको टाइमलाइन पर दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा वीडियो हमने क्रिएट किया BN वीडियो एडिटर ऐप के अंदर। ओके, तो वीडियो को किस तरीके से आप सेव कर सकते हो अपने गैलरी में, तो वीडियो को सेव करने के लिए आपको सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी रेजोल्यूशन चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4K चूज़ करता हूँ। उसके बाद नीचे आपको टिक मार्क आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो वीडियो है डायरेक्टली आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप BN ऐप के अंदर अपनी फ़ोटो से फ़ोटो सही की इफेक्ट या फ़ोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।